हम इस डिवाइस को बनाने से पहले इसके सर्किट को देख लेते हैं। इसके सर्किट में जो कंपोनेंट लगे हैं उन्हें भी चेक कर लेते हैं। अब सर्किट के जैसे ही हम इसे जीसीबी बोर्ड पर बनाते हैं, सबसे पहले हम जीसीबी बोर्ड में एक बेस लगा देते हैं 28 पिन का। फिर इसके बाद बैक साइड में हम सोल्डरिंग कर देते हैं। जब हमारे सारे पॉइंट फिक्स हो जाते हैं फिर उसके बाद हम इसमें रीसेट स्विच कनेक्ट करते हैं। यह आईसी की पिन नंबर 1 से कनेक्ट होता है, इसका एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड में चला जाता है। तो इसका पॉइंट हम एक पिन 1 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम एक 10 के ओम का रेजिस्टेंस आईसी की पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर देते हैं और उसका दूसरा पॉइंट हम VCC से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्रिस्टल ओसिलेटर को आईसी की पिन नंबर 9 और 10 से दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एक 22 पिकोफेरेट का कैपेसिटर क्रिस्टल ऑसिलेटर के एक पॉइंट से उसका एक टर्मिनल और फिर दूसरा 22 पिकोफेरेट का कैपेसिटर उसके दूसरी पिन से उसका एक टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम इन दोनों कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम इन्हें बाद में ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक चार्जिंग पिन का फीमेल जैक कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इस सर्किट में एक वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी 7805 कनेक्ट कर देंगे।
इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेटर की आउटपुट पिन को आईसी की वीसीसी पिन 7 से और उसके ग्राउंड को आईसी के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर की इनपुट पिन को हम चार्जिंग पिन के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और वोल्टेज रेगुलेटर के ग्राउंड को हम चार्जिंग पिन के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम 20 और 21 पिन को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसमें से हम एक पॉइंट VCC निकाल लेते हैं। अब हम इस आईसी में जितनी भी पिन्स बची हुई हैं उनको हम फीमेल्स हेडर से कनेक्ट कर देते हैं 1x1, जिससे हमें इनमें जम्पर वायर्स कनेक्ट करने में आसानी होगी। अब हमारे सारे फीमेल्स हेडर कनेक्ट हो गए हैं। अब हम इनमें वायर्स कनेक्ट कर देंगे। इन फीमेल्स हेडर्स की एक एक पिन को हम आईसी की एक एक पिन से कनेक्ट कर देते हैं। हम सभी ग्राउंड को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। और सभी VCC पॉइंट को भी एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम जम्पर वायर्स कनेक्ट करने के लिए दो VCC पॉइंट बना लेते हैं एक साथ। ये दो पॉइंट हमारे VCC पॉइंट बन गए हैं और इसके बाद हम ये तीन पॉइंट ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारे तीन पॉइंट जम्पर वायर्स कनेक्ट करने के लिए बन जाएंगे। अब हमारा सर्किट तैयार हो गया है। हमने इस बोर्ड में पिन्स को जस्टिफाई कर दिया है, इसमें 0 पिन RX और 1 पिन TX है। अब हम एक आर्डिनो बोर्ड लेते हैं, उसमें हम पहले प्रोग्रामिंग अपलोड कर देंगे।
इसमें हमारी प्रोग्रामिंग अपलोड हो गई है। अब इस बोर्ड में से हम आईसी को निकाल लेते हैं। और जो बोर्ड हमने बनाया है उसमें इस आईसी को फिक्स कर देते हैं। इस आईसी में हमने एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम अपलोड किया है। अब इसको फिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ये सर्किट सही है या नहीं। अब हम इसमें चार्जर 5 वोल्ट चार्जर से पावर सप्लाई देते हैं और फिर हम एलईडी को पॉजिटिव पॉइंट 13 पिन से और ग्राउंड पिन ग्राउंड से कनेक्ट करके देखते हैं। अब ये हमारा सर्किट सही है, एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब हम इस आईसी को फिर से उसी बोर्ड में लगाएंगे और फिर चेक करके देखेंगे कि ये उस बोर्ड में भी सही से वर्क कर रही है या नहीं। अब हमने इस आर्डिनो बोर्ड में फिर से उस आईसी को फिक्स कर दिया है। अब हम इस आर्डिनो बोर्ड में पावर सप्लाई देखेंगे और फिर इस एलईडी बल्ब को कनेक्ट करके देखते हैं कि यह प्रोग्रामिंग सही है कि नहीं। हमने 13 पिन और ग्राउंड से कनेक्ट किया तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी दे रही है जो हमारे द्वारा बनाए हुए आर्डिनो में दी थी। इस तरह हम घर पर आर्डिनो बोर्ड बनाकर यूज कर सकते हैं।